हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज हम लोग इकट्ठा हैं इस क्लास में बात करने के लिए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? व्हाट इज मॉलिक्यूल? सो मॉलिक्यूल इज नथिंग एल्स बट ये एटम से बना होता है, यानी एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। कई सारे एटम्स, 1, 2, 3, 4, 5, कितने भी हो सकते हैं, वो मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल जो होता है वो सेम एटम के भी हो सकते हैं, सेम एलिमेंट के भी एटम्स हो सकते हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी एटम्स हो सकते हैं। तो इन जनरल मॉलिक्यूल्स को ये कह सकते हैं कि ये एटम से मिलकर बना होता है और ये केमिकली बॉन्डेड होता है। केमिकली बॉन्डेड मतलब एक बॉन्डिंग होती है उनके बीच में, जिस बॉन्ड के जरिए उनके आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को टाइटली हेल्ड किए रहते हैं, मतलब पकड़े रहते हैं। तो मॉलिक्यूल्स क्या है कि एक इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, कह सकते हैं। व्हाट इज मॉलिक्यूल? सो लेट अस राइट हियर, व्हाट इज मॉलिक्यूल? सो मॉलिक्यूल इज नथिंग एल्स बट What in general molecule age the combination of one or more atom of the same element or two or more atoms of different elements which are chemically bonded to each other, राइट? केमिकली बॉन्डेड टू इच अदर, इसका मतलब है कि उसके बीच में एक बॉन्डिंग होती है। और वो बॉन्डिंग क्या करता है? दैट केमिकली बॉन्डेड क्या होता है? ये केमिकल बॉन्ड होती है उनके बीच में, इस बॉन्ड को कहते हैं केमिकल बॉन्ड। और इस बॉन्ड की वजह से क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है। और इस बॉन्ड की वजह से क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स, इट क्रिएट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर, राइट? टाइटली हेल्ड टुगेदर, राइट? टाइटली हेल्ड टुगेदर, दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर, राइट? दे आर टाइटली टाइटली हेल्ड टुगेदर। सो ये एक होता है, बट ये डेफिनेशन नहीं है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। डेफिनेशन के रूप में अगर कोई कहे तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ सब्सटेंस। डेफिनेशन क्या हो सकती है? डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, तो आप कहें कि मॉलिक्यूल, ये भी डेफिनेशन कहें कि मॉलिक्यूल्स आर ए स्मॉल यूनिट ऑफ सब्सटेंस, ए स्मॉल यूनिट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट ऑफ सब्सटेंस व्हिच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड इट हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, राइट? मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, राइट ना? सो एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस, मॉलिक्यूल्स
are not, provided they are molecules of single atom. So, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि molecule जो है वो भी क्या है कि smallest small unit of substance है जिसकी independent existence होती है और independent existence होने की वजह से क्या होता है इसमें उसकी सारी properties होती है substance की, ठीक है ना? तो molecules दो तरह के हो सकते हैं. Molecules जो होते हैं उनको हम कहेंगे कि दो तरह के हो सकते हैं molecules. Molecules of elements, जैसा कि हमने कहा, molecules of elements and molecules of compound, molecules of compound, compound, right? Molecules of element further can be divided in three types, right? Na? Molecules of elements can be divided further in three types. What is that? Monoatomic, monoatomic and diatomic, atomic and polyatomic, polyatomic molecules. Monoatomic molecules, right? Diatomic molecules and polyatomic molecules. So, ये क्या है? Monoatomic, diatomic और polyatomic molecules क्या है? Right? तो इसको बारी-बारी से सीखते हैं कि ये monoatomic, diatomic and polyatomic molecules क्या है? Monoatomic molecules कौन होते हैं? जैसे monoatomic molecules क्या हैं? Monoatomic molecules are those molecules. Monoatomic molecules, the molecules of an element, molecules of an element which consist only one atom, consist only one atom, only one atom. Mono means unique, one. So only one atom jahan pe ho उसको हम कहेंगे सिंगल. मोनो मींस सिंगल, ठीक है ना? ये इसका मतलब होता है सिंगल. तो सिंगल अगर है एटम बना हुआ तो उसको हम मोनो एटॉमिक कहेंगे. फॉर एग्जांपल हीलियम, फॉर एग्जांपल नियॉन, फॉर एग्जांपल आर्गन, फॉर एग्जांपल कार्बन, फॉर एग्जांपल क्रिप्टन एटसेट्रा. ये सब जो होते हैं, ये सोडियम, ये सब जो है ये मोनो एटॉमिक. इनका एक ही एटम जो है एक मॉलिक्यूल के बराबर है. पोटेशियम एटसेट्रा, ये सब क्या है? ये सब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तो दूसरा जो है वो क्या है? डाईएटॉमिक, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या है? डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें एक ही एलिमेंट के दो एटम कंबाइंड होते हैं. व्हेन टू एटम्स ऑफ same element, atoms of same element combine together chemically, chemically, then molecule is called diatomic molecule, molecule is called diatomic molecule, diatomic molecule. For example, O2, H2, N2, Cl2, I2, F2, etc. ये जो है, ये सब क्या है? ये chlorine, fluorine, bromine, iodine, chlorine, bromine, oxygen, nitrogen, hydrogen. ये सब क्या है? एक ही एटम के एलिमेंट के दो एटम आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. ऑक्सीजन के दो एटम्स मिल करके ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल. टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर, कंबाइन टुगेदर to form one molecule of oxygen.
together to form one molecule of oxygen. One molecule of oxygen, oxygen, etc. ठीक है, इस तरीके से बाकी भी बने। अब एक है पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें एक से ज्यादा हो, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। When more than two atoms, when more than two atoms of an element combine together, to form a molecule, called polyatomic, molecule. ठीक है, for example S8 sulfur, ये बनाता है 8 सल्फर के एटम्स मिल करके सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब बात आती है मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड की। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, व्हेन एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, व्हेन एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट, कंबाइन टुगेदर, केमिकली, देन वन मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड, विल फॉर्म। ठीक है, वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड विल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, H2O consists of two atom of hydrogen and one atom of oxygen, ठीक है, two atom of hydrogen and one atom of oxygen, तो ये है H2O। सिमिलरली अगर बात करूं CaCO3, इसका मतलब हुआ कंसिस्ट ऑफ यानी मेड ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम, वन एटम ऑफ कार्बन, एंड थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो इस तरह से मोर देन वन एटम के, मोर देन वन एलिमेंट के एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल बनते हैं। और इसको, इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है, और वो थे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स केमिकली आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं तो उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कुछ और मॉलिक्यूल के नाम जाने, राइट, जैसे MgO, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, राइट ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ कॉमन है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसको है
इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्साइड, ये है कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड, ये है सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड। एक चीज आपको ध्यान से समझ में आ रही होगी कि इन तीनों में ही ऑक्साइड शब्द का इस्तेमाल हुआ ऑक्साइड। व्हाट इज कॉमन इन ऑल दिस थ्री, ओ, ओ कॉमन होने से ऑक्साइड होता है, मतलब ओ स्टैंड फॉर ऑक्साइड ऑक्साइड, ओ जहां पर होगा वहां पे ऑक्साइड बनाएगा, ये इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पे तो दो ओ है इसलिए दो को केमिस्ट्री में काउंटिंग करते हैं डाई मोनो डाई ट्राई, मोनो का मतलब वन, डाई का मतलब टू, ट्राई का मतलब थ्री, तो इसलिए डाई शब्द का इस्तेमाल हुआ। कार्बन ऑक्साइड कितने, तो डाई डाई मीन्स टू ऑक्साइड, वन कार्बन एंड टू ऑक्साइड टुगेदर कंबाइंड एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड सोडियम एंड क्लोराइड, दिस इज क्लोरीन इज कॉल्ड क्लोराइड। सो हियर वी कैन अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड, वन एटम ऑफ वन एलिमेंट अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट, दे केमिकली कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो इस तरीके से ये कैसे फॉर्म होते हैं और कैसे इनके फॉर्मूले लिखे जाते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल ये बता दें कि आयंस क्या होते हैं, व्हाट इज आयंस। सो अनदर थिंग इज व्हाट इज आयंस, लेट मी इंट्रोड्यूस व्हाट इज आयंस व्हाट इज आयंस। ठीक है, ये क्वेश्चन ये चीज समझते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, सो कंपाउंड्स कंटेन्स कंपाउंड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ऐसे लिख देते हैं कंपाउंड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल नॉन मेटल कंटेन्स चार्ज पार्टिकल कंटेन्स चार्ज पार्टिकल्स पार्टिकल्स दीज चार्ज पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयंस कॉल्ड आयंस। वैसे एटम्स न्यूट्रल होता है एटम्स न्यूट्रल होता है, लेकिन क्या होता है कि उस एटम में, जैसा कि आपको अभी पता तो नहीं होगा लेकिन आगे बता देंगे, फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि एटम्स में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल इसलिए होता है कि जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज उसकी ऑर्बिट में रोटेट करता रहता है, तो न्यूट्रल होता है। जैसे ये कहूं कि ये एक एटम का एक शेप है और ये ऑर्बिट्स हैं, ये है न्यूक्लियस इसका, तो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर में चक्कर लगाता है, ये इसको ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, तो इधर में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन्स, ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाता है। ठीक है, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर होते हैं, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बाहर में चक्कर लगाते हैं, और अगर एक और मैं ड्रॉ कर लू तो उसमें क्या होते हैं, उसमें 18 होते हैं उसमें 18 होते हैं। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं 18 भी हो सकते हैं लाइक दैट, 10 भी हो सकते हैं, कोई अभी उसकी बाद में बात करेंगे कितने होंगे, जितने अवेलेबल होंगे उतने होंगे। बट इस तरह से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो एटम में इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे होता है जो सेंटर में है उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज दैट इज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेज,
है ना। तो चूंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेस दोनों बराबर हैं, सो दे विल न्यूट्रलाइज इच अदर, वैनिश इच अदर, एंड देयर फोर वॉट विल हैपन दैट देयर इज नो चार्ज। सो टोटल चार्ज ऑन एटम इज जीरो, बिकॉज जितने प्लस हैं उतने माइनस हैं, टोटल चार्ज क्या होता है जीरो। सो दे आर कॉल्ड न्यूट्रल, दे आर न्यूट्रल, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि जब हम कंबाइन करते हैं एटम्स को, तो कंबिनेशन के लिए उनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है, और बॉन्डिंग किस बात की होती है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की या इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की बॉन्डिंग होती है। उनमें समझौता होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है ज्यादा, हमारे पास है कम, तुम मुझे दे दो, या हम शेयर कर लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, दो दो इलेक्ट्रॉन, तीन तीन इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहूं कि जिस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं या दो होते हैं, ड्यूएट और ऑक्टेट, वो स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी की तलाश में 8 इलेक्ट्रॉन होना ज्यादा अच्छा है, कहां आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। जैसे सोडियम का ये मान लिया जाए कि 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इनका 11 है, ये अभी आप सीखोगे। सिमिलरली क्लोरीन के एटॉमिक नंबर 17 है, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पाने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम के पास क्या उपाय है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन का कहीं से इंतजाम करे, either he will arrange 7 more electrons to make it octet, or even it can lose 1 electron. Similarly, chlorine can either lose 7 or gain 1. So losing 7 is difficult for chlorine instead of gaining 1. और उसी तरह से सोडियम को 7 गेन करना ज्यादा डिफिकल्ट है rather than lose 1 electron. So what will happen? They will form compound by transfer of electrons, and Na plus एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन ये गेन किया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा हो गए। तो दोनों मिलकर के जो कंपाउंड बनाते हैं, जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो सोडियम क्लोराइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड विल फॉर्म, वन मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड विल फॉर्म, ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दैट इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, ये बनता है। तो इसमें क्या है, इसमें हमने कहा कि मेटल या नॉन मेटल जिस कंपाउंड में होते हैं उसमें चार्ज आयन होते हैं। तो इसमें क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, और इसमें चार्ज पार्टिकल होते हैं। मेटल्स, ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल इनके अंदर होता है, इसलिए इसको आयन्स कहते हैं। यानी आयन्स तभी बनेगा व्हेन एवर सम एटम्स ईदर लूजेज और गेन द इलेक्ट्रॉन्स। सो आयन विल फॉर्म, आयन विल फॉर्म, आयन विल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, ओनली इफ इधर एटम्स ऑफ एलिमेंट लूज द इलेक्ट्रॉन्स, लूज द इलेक्ट्रॉन्स और गेन the electrons, or gain the electrons, ठीक है। तो इसलिए Na plus और Cn minus बना। कई बार ऐसा होता है कि group of atoms जो होते हैं उन charged particle को contain करता है, उसको polyatomic ion कहते हैं। तो एक नया term आया polyatomic ion, right? क्या है ये, जरा ध्यान से देखिए। A group of atoms, group of atoms contains charge, charge called polyatomic ions, polyatomic ions, ions, ठीक है। ions दो तरह के होते हैं, एक होता है cations और दूसरा होता है anions, two types of ions, ions two type के होते हैं, एक होते हैं कटायन और दूसरा होता है एनायन। कटायन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कटायन्स कहते हैं।
और निगेटिव चार्ज पार्टिकल को चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एनायन। सो इस तरह से अगर मैंने कहा कि सोडियम और क्लोरीन के Na प्लस और Cl माइनस ये अगर बन रहे हैं Na प्लस और Cl माइनस, तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये हो गया कटायन, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये हो गया एनायन। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन पे निगेटिव चार्ज होती है, जिन पे निगेटिव चार्ज होती है उनको हम क्या कहते हैं, गेन द इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम कहते हैं एनायंस। ठीक है, इस पे निगेटिव चार्ज होती है। दो झूल लूज द इलेक्ट्रॉन, ये लूज द इलेक्ट्रॉन, लूज द इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से क्या हो जाता है, ज्यादा। तो ये बनाता है कटायंस और ये बनाता है एनायंस। इस तरह से ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए हम कहें तो NH4 प्लस, NH4 पे प्लस चार्ज होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पॉली एटॉमिक कटायंस, पॉली एटॉमिक आयंस है लेकिन क्या है, कटायंस, कटायंस। ठीक है, इसी तरह से PO3 अगर मैं बात करूं तो ये लिख सकता हूं कि PO3 राइट, SO4 ये सब चार्जेज अटेंड करते हैं। PO 4 होता है, चार्ज 3 होती है इस पे, प्लस इस पे माइनस 3 का चार्ज होता है, तो इसलिए क्या होगा, माइनस 3 का चार्ज होता है, इस पे माइनस 2 का चार्ज होता है। इसी तरह से NO2 जो होगा उस पे कितने का चार्ज होता है, माइनस 1, NO3 पे माइनस 1 का चार्ज होता है। तो ये सब जो है ये तीनों निगेटिव हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक, ये सब के सब पॉली एटॉमिक एनायंस, एनायंस होते हैं। ठीक है ना, इस पे प्लस 1 प्लस ये माइनस 2 माइनस 1 ये सब चार्ज होता है, 1 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, बट 2 3 लिखने का मतलब है इसके चार्ज 3 और 2 है, इसलिए तो पॉली एटॉमिक कटायंस हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक एनायंस हो सकते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो बनाएगा कटायंस, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो बनाएगा एनायंस। ठीक है, उस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको कटायंस और एनायंस अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो बनाएंगे कटायंस, उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे रादर देन इलेक्ट्रॉन, पहले दोनों में बराबर थे लेकिन जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, प्रोटॉन कोई भी सब्सटेंस लूज, कोई भी एटम लूज नहीं करता, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन तो होता है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, बाहर, तो बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और लूज करने के बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए तो इसलिए वो क्या बना दिया, वो बना दिया कटायन, और जो उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उसमें पहले से तो बराबर थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन बाहर से और इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन हो गया मेजोरिटी में, प्रोटॉन हो गया माइनॉरिटी में, तो इसलिए उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है तो इलेक्ट्रॉन की चलेगी दादागिरी, और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, माइनस चार्ज उसमें डोमिनेट करेगा, यानी ओवरऑल उसमें निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट कर जाएगा, इसलिए उसको हम कहते हैं एनायंस। तो इस तरह से आप कटायंस और एनायंस के बारे में समझ गए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, तो उसमें हम बात करेंगे किसके, उसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। आई होप यू विल एंजॉय दिस, बट बिफोर दैट आई विल गिव यू सम होमवर्क, राइट ना, सो टू लर्न द वैलेंसी एंड व्हाट इज द वैलेंसी, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड be aware with each and every fact, remember this, memorize this, because it is very, very important segment of chemistry, so it is very, very useful for all examinations as well. So, be serious and study, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करो यार, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है, थोड़ा मन लगाओ, थोड़ा घर पे याद करो, revise करो और फिर लिखो, तब जाके बात बनेगी, मुश्किल नहीं है, but बहुत सरल।